छोटी सी चोट है सर, क्यों चिल्ला रहे हो? डॉक्टर, छोटा दिमाग बड़ा दिमाग सब अपनी जगह पर तो है ना? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मेमोरी लॉस, कोमा, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डोंट वरी सर, ये कोर्स कंप्लीट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कौन है वो? विपक्ष का है या पक्ष का है? कौन सी पार्टी का है? वो किसी पार्टी से नहीं है सर। हाँ? किसी पार्टी का तो कार्यकर्ता होगा। वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। तो क्या उसने मुझे मारने के लिए किसी से सुपारी ली है? सुपारी नहीं लिया, पान नहीं खाया। उसने तो क्या आगे बोल? उसने तो पेपर में नाम आया इसलिए ऐसा किया सर। पेपर में आने के लिए मारा उसने? पेपर में नाम आने के लिए मंत्री को पत्थर से मारा? निकालो गाड़ी, अब उसका सर काटूंगा मैं। चलो सर। कहाँ है वो? वहाँ है सर। उसे मेरे एनकाउंटर अकाउंट में डालकर गोली मार दीजिए। बाप रे, बॉडी में कहीं और बुलेट लग जाए तो बचने के चांस हैं। यहाँ मारोगे तो कंफर्म मरूंगा। शूट करना। फिगर क्यों नहीं दबा रहा? क्या रे, तुझे मौत का डर नहीं है? वो वर्ड अपन के डिक्शनरी में। बाहर निकाल इसे, सेलो बंद करो। बैठिए सर। इंस्पेक्टर साहब, पंच मस्त था, हड्डियां हिल गई। बोलिए सर। देख क्या हालत है, क्यों किया ये? अटेंशन, सिंगल एजेंडा, पेपर में मेरा नाम आने के लिए और फेमस होने के लिए। पेपर में नाम आने के लिए तू एक मिनिस्टर की जान पर हमला करेगा? मारना होता तो पत्थर से क्यों मारता, सीधा बॉम्ब नहीं फेंक देता? सर जी आप रिलैक्स। सर, किसी और को मारता तो मैं इतना मशहूर कैसे बनता? आप और ये मीडिया मुझ तक कैसे आते? मैं एक मिनिस्टर हूँ, मैं चाहूँ ना तो तुझे कुछ नहीं कर सकते सर। अगर मुझ पर मक्खी भी बैठी ना तो बाहर लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे। मतलब तुम फेमस होने के लिए कुछ भी करोगे? इंस्पेक्टर को मारना पड़ा तो मार दोगे? सर जी, अरे, कैच। अरे, 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 मेरे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क था ना, इसलिए तो ग्राउंड को मारा मैंने। तुम्हें फायरिंग भी आती है? पहली बार ट्राई किया, गुड एक्सपीरियंस। हाँ, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? मुझे बहुत पसंद आया। तुझे देखकर लगता है तू मेरा ही साया है, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था तेरी तरह। मेरे हाथ के नीचे काम करेगा? तुम्हारे साथ काम करूंगा। सर, इसने आपका सर फोड़ा और आप इसे काम पर रख रहे हैं? सर नहीं फोड़ा, दिमाग खोल दिया है। दो बार और सोच लीजिए सर। बार बार सोचने के लिए तुम्हारे जैसे मंद बुद्धि नहीं है, मंत्री बुद्धि है। सर सैलरी? हाँ, कितनी? फ्रेंड्स और फैन मिलाकर टेक होम महीने का 1 लाख। 10 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी खुद की 25 है। शर्म नहीं आती तुझे? लेकिन क्यों? सैलरी टैलेंट को देते हैं, एक्सपीरियंस को नहीं। बहुत पसंद आया। मंत्री जी उसे सजा देने गए थे तो साथ में आ रहे? हाँ चलिए मैं। अरे भाई आकाश, एक पत्थर से तुम हीरो से भी ज्यादा फेमस हो गए हो। आकाश का प्रहार, मंत्री बेहाल। चुप, एक काम करो तुम लोग, इन कटिंग्स को लेकर बड़े बड़े पोस्टर्स बनवाकर पूरे शहर में जमा कर लगा दो, सबकी नजर पड़नी चाहिए मेरे घर के बाहर। दो क्या चार लगा देंगे सब, और फेसबुक पे भी वायरल कर देंगे। कर देंगे, अब और काम क्या है? ये सब क्या है? न्यूज बनानी है तो थोड़ा शोर तो होगा ही ना भैया। पर क्यों ये सब? स्टोरी अभी तो शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलो भाई। पता नहीं भाई, आजकल सब गुड न्यूज मिल रही है। तुझे क्या हो गया यार? सेंट्रल मिनिस्टर सुभाष सिंह के बेटे के साथ तुम्हारी बेटी का रिश्ता तय हो गया है और तुम यहाँ मायूस होकर बैठे हो। इस संबंध से तो मुझे भी बहुत खुशी है शंभू, लेकिन बेटी कनाडा से आ रही है इसलिए जी घबरा रहा है मेरा। एक स्टेट के होम मिनिस्टर को ऐसी बातें शोभा देती है? तुम्हें तो पता है ना शंभू, हमारे और उस गन्ना रेड्डी के बीच में जो पुश्तैनी लड़ाई चल रही है, इस समय अगर उसने कोई भी अटैक किया और ये पंगा अगर सुभाष सिंह को पता चल गया तो संबंध शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, ऐसा डर है। सिक्योरिटी तो तुम्हारे ही हाथ में है ना, 100 लोगों को एयरपोर्ट भेज दो बेटी को सुरक्षित लाने के लिए। 15 सालों बाद बेटी हमारे पास लौट रही है, तुझे पावर नहीं दिखाना है, प्यार दिखाना है। अगर ऐसा किया तो मेरी बेटी इंडिया आई और मेरी बच गई, ऐसा लोग कहेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, तुम्हें आकाश के बारे में बताया था ना, उसे भेज देते। उस अकेले को? वो अकेला ही काफी है, उसे आए 4 दिन भी नहीं हुए
ओल्ड सिटी के मेरे रुपए पैसे निकाल दिए उसने। चाहे जो भी हो, एक अकेले को भेजना रिस्की है शंभू। जान बचाने के लिए क्राउड की जरूरत नहीं होती भाई, जिगर चाहिए, और वो उसमें अनलिमिटेड है। ऊपर से नया है ना, तो किसी को शक भी नहीं होगा। तो ठीक है, हाँ बोलना। अरे भाई, सुबह से तो दिखाई नहीं दिया, कहाँ पे चला गया यार? मैं एयरपोर्ट आया हूँ यार। एयरपोर्ट गया हुआ है? मुझे बताए बिना तो खुद फ्लाइट पे बैठने वाला है क्या? तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो यहाँ तेरी होने वाली भाभी और मेरी होने वाली लवर को रिसीव करने आया हूँ। भाई वो भाभी अपने होम मिनिस्टर की बेटी पे तो पागल हो गया है क्या? ओ राजेश, होम मिनिस्टर की बेटी के साथ? ओए, होम मिनिस्टर की बेटी से पंगा लेगा तो एनकाउंटर हो जाएगा, चला जा तू। प्यार के लिए मरूंगा तो इतिहास बन जाऊंगा बेगा दे कहीं के। एप्स डाउनलोडेड स्मार्टफोन प्लस के जैसी लग रही है। अच्छा, उस रेंज की लड़की को गांव की लड़की की तरह फूल देके पटाएगा क्या? फूल देकर नहीं बे, फूल गिराकर उसे पटा। फूल गिराकर उसे पटा लेगा, वो कैसे? तो अभी फोन रख, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे सुना ए! जवाब कमाल, ए मिस्टर, ये क्या है? हाथ हटाओ। पहले आप अपना पैर हटाओ। 5 ग्राम के गुलाब को 50 किलो का गुलाब कुचल देगा तो कैसे लगेगा बताओ? मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो या मुझे इम्प्रेस कर रहे हो? खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वेलकम टू इंडिया, आकाश। ओह, डैड ने बताया था। बाय द वे, आई एम श्रद्धा, फुल्ली ट्रेडिशनल। प्यार का कोई ओपिनियन नहीं, पेरेंट्स के सिलेक्शन पर कोई शक नहीं। सावित्री माँ को बहुत मानती हो, सलमान खान के लिए पागल। अमेजिंग, पूरा प्रोफाइल जानते हो। और नहीं तो क्या, बचपन से गूगल जैसा हूँ। घबराइए मत, आपको वेलकम करने आए हैं, मैं थैंक्स कह के आता हूँ। ओके, टुकड़े टुकड़े कर दो और नागराज को पार्सल कर दो।
क्या हुआ बे? कुछ नहीं भाई। ये टकलू क्यों करवाया? फैशन के लिए। अच्छा। फैमिली को टच करने से पहले मुझे टच करना होगा, लेकिन मुझे मारने वाला हथियार अब तक बना नहीं, ना ही बनेगा। मेक एन ऑर्डर। मैं उसे कह रहा था किसी को अकेले मत भेजो, लेकिन वो तारीफों के पुल बांधे जा रहा है। मेरे सर ठीक ही कह रहे थे, मैं अकेला गया था इसलिए बेटी सेफली घर पहुंची है। अगर आपने 100 लोगों को भेजा होता तो पहला सोचता दूसरा बचाएगा, दूसरा सोचता तीसरा बचाएगा, और कंफ्यूजन हो गया होता तो तुम आज जो अपनी बेटी को देख के खुश हो रहे ना, वो यहाँ नहीं पहुंचती। वैसे इतनी सावधानी बरतने के बावजूद उसे प्लान का कैसे पता चला? मैंने इन्फॉर्म किया था। तुमने ही फंसाया, फिर तुमने ही बचाया। मेरी बेटी को मारना चाहता था क्या? गनी रेड्डी की उस हिम्मत को मारना चाहता था। वो कब अटैक करेगा सोचकर हमें नहीं डरना है सर। अब आगे जब भी वो अटैक करेगा वो 10 बार सोचेगा और डरेगा, इसीलिए मैंने ही उसे बुलवाया, मौत का सामना करवा कर वापस भेज दिया। मैंने जो किया आपको गलत लगे तो मेरे सर से शिकायत कीजिए, अगर सही लगे तो बेटी के लौटने का जश्न मनाइए।